So hey everyone, in today's video I'm going to show you my collection of duas which I follow passionately. और जो कुछ भी मैंने लगाया है डेस्क पे उसको मैं दिखाऊंगी. और होता है ना कभी कभी लाइफ में जब हमें लाइफ ज़ोर से पटकती है, किसी भी फॉर्म को ले लो कैसे भी, तो उस वक्त हमें किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स या सेंटेंस चाहिए होता है जो हमें हमें तसल्ली दे और हमें मोटिवेट करे. तो वो वर्ड होते हैं गॉड के वर्ड, हमारे क्रिएटर के वर्ड. तो वो जो हमें इन द फॉर्म ऑफ बुक्स जो भेजी हुई है, वेदर इट इज़ कुरान, गीता, बाइबल एट्सेट्रा, वहाँ से मिलती है. तो उससे ये होता है कि उसको पढ़ने से ये होता है कि स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप होती है अपने अंदर. और जब एक इंसान में स्पिरिचुअलिटी हो जाती है ना, तो फिर उसको किसी वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, किसी इंसान पे. तो वही है, मैंने ढेर सारी जो मोटिवेट मुझे जो अच्छी लगती है दुआ, वो मैं लिख लेती हूँ और उसको रोज़ पढ़ती हूँ. तो मैं आपको दिखाती हूँ. पहले मैं ये दुआ जो है सिर्फ डेस्क तक ही रखती थी, मतलब अपने स्टडी टेबल पे लगा देती थी, लेकिन अब मैं पूरे घर में लगाती हूँ. तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे है. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं. ये तीनों मेरी मोस्ट फेवरेट दुआ है, मतलब बहुत ही हेल्पफुल है. तीनों स्ट्रेस की है लेकिन अलग अलग तरह की है. तो पहले है कि पहला ये है कि अगर कभी हमें स्ट्रेस होता है नहीं फ्यूचर को लेके, दुनिया को लेके कि कैसे होगा कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ डरना है तो ऊपर वाले से डरो, और प्यार करना है तो सिर्फ ऊपर वाले से करो. इसका मतलब ये हुआ. और दूसरी भी जो है स्ट्रेस की है, ये उस स्ट्रेस की है जब हम नहीं खुद ही अपने हैबिट से मतलब ऐसी ऐसी गलत आदतें ले लेते हैं जिससे हम परेशान रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी को परेशान करना या फिर किसी का बुरा चाहना, ये सब हम करते हैं. तो उससे क्या होता है, हम खुद ही परेशानी में पड़ते हैं. तो ये होता है उसके लिए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे पाप होते हैं या गुनाह होते हैं वो झड़ जाते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है. और तीसरा है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, मतलब इससे मेरा आए दिन मुलाकात होती रहती है. ये है कि अगर मेरा अगर आपका स्ट्रेस लोगों की वजह से है ना, क्यों नहीं, कभी कभी कोई कुछ कह देता है तो दिल पे लग जाती है, फला ने ऐसे कहा वैसे कहा, तो उसके लिए है. ये कहती है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला. फला ने अगर कह, मैं अपना बता रही हूँ कैसे इसको बता, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि अगर फला ने कुछ कह भी दिया तो ये दिमाग में रखो कि पावर उसके पास नहीं है, पावर तो सिर्फ अल्लाह के पास है, ऊपर वाले के पास है. तो ये दिमाग में आता है कि पीपल हैव नो पावर. तो यही तीनों मेरी फेवरेट है. उसके बाद ये तो मुझे लग रहा है 4-5 साल पुरानी है, क्योंकि राइटिंग भी तब बड़ी गंदी थी. और हाँ सही है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है. और लेकिन इसमें पता है एक बेवकूफ़ी हुई है कि तब मुझे शायद इतनी अक्ल नहीं थी, डार्क पे डार्क लिख दिए तो ये दिखती नहीं है, दूर से देखिए कुछ दिखता नहीं है. खैर कोई नहीं. तो इसमें जो है जो हमारी पांचों नमाज होती है उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए वो है, पहला हुवल हय्युल कय्यूम हुवल अलियुल अज़ीम, ये सारी है 100-100 बार पढ़नी रहती है. ये मतलब हमारे प्रॉफिट पढ़ते थे नमाज के बाद, तो पढ़ लेना चाहिए. अब प्रॉब्लम पहले इतनी मतलब 100-100 बार पढ़नी रहती इतनी ज़्यादा टाइम, तो या तो आप तस्बीह पढ़ते हैं या तो अपना हाथ यूज़ करते हैं. लेकिन अब सबसे आ गया टेली काउंटर जो कि ये है.